हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? फाइनली बैक विद अ न्यू ब्लॉग। तो यार, टाइटल से और थंबनेल से कुछ आइडिया हो चुका होगा कि आज हम लॉस एंजलिस जा रहे हैं। तो यार, ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। और आपके भाई की विश थी कि यार लाइफ में यूएसए जाना है, और अगर यूएसए जाएंगे तो लॉस एंजलिस ज़रूर जाना है। तो फाइनली आज ड्रीम भी पूरा हो रहा है। तो बाकी ब्लॉग ये ज़रा लेंथी होगा, तो आपने प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और आगे शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब मस्ट है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, राइट नाउ आई एम हियर इन द बिग बियर सिटी, और ये जो सिटी है ये अप्रोक्सीमेटली 7000 फीट के एलिवेशन पर है। तो पहले हम पहाड़ से नीचे जाएंगे, और फिर यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता, फिर हम इंशाल्लाह लॉस एंजलिस पहुँचेंगे। तो फिर मिलते हैं लॉस एंजलिस में आपके साथ। फाइनली राइड आ गई है, तो मेरे साथ काउंसलर्स हैं, तो बहुत मज़े का ब्लॉग होने वाला है। अब चलते हैं, फिर लॉस एंजलिस में मिलते हैं हम लोगों के साथ। Look here. What's up? How you doing? I'm just doing vlog. Oh, nice. यार मेरे साथ जो काउंसलर हैं इनको भूख लगी है, तो यहाँ पे एक छोटी सी डोनट शॉप है, हम यहाँ पर आए हैं। फाइनली हम लॉस एंजलिस डाउनटाउन सिटी आ गए हैं। तो मेरी हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं गाड़ी में सो गया था, तबीयत कुछ अपसेट हो गई थी। यू नो, जब आप माउंटेन या हिली एरिया में ट्रैवल करती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपको पता है, कभी इधर आप झूल रहे हैं तो कभी इधर, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था। तो अभी कुछ बेटर हूँ। तो अभी हम यहाँ पर डाउनटाउन सिटी में हैं, और यहाँ की एक बहुत ज़्यादा ये एक फेमस स्ट्रीट है, दी ओलावेरिया करके कुछ इसका नेम है। तो मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो उसने मुझे बताया है, मुझे उसका नाम भी नहीं ठीक से लेने नहीं आ रहा। तो ये बहुत मज़े की स्ट्रीट है। तो यहाँ पर सेल्स में आप चीज़ें ले सकते हैं, शर्ट, शूज़, कैप्स, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। बहुत मज़े की, बहुत प्यारी स्ट्रीट है। बाकी यार यूएसए में ऐसा सीन है कि आपने कुछ भी परचेज़ करना है, कुछ भी लेना है, तो हर चीज़ पर टैक्स है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई डोंट नो कि हर स्टेट में ये चेंज होता है टैक्स की जो परसेंटेज है, लेकिन कैलिफोर्निया आपको पता है रिचेस्ट स्टेट है, और यहाँ पे टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और यार वेदर बहुत ज़्यादा, आपको पता चल रहा होगा, गर्मी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आज अप्रॉक्सीमेटली 37 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर है। तो पाकिस्तान की बल्कि याद आ रही है, जितनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर आज। तो लेकिन हम यहाँ पर शाम तक हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो ब्लॉग लेंथी होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो बाकी ब्लॉग को आपने एंड तक देखना। चलो रुकिए, कहीं आपको कोई शॉप भी दिखा देते हैं छोटी सी, ये देखें भाई, तो कैप्स लगी हुई है। अरे बच्चों की ज़्यादा चीज़ें हैं, नहीं नहीं बड़ों की भी है भाई। हम हंस रही है यार देख के कि ये क्या कर रहा है, क्या करें। तो वहाँ पे यार वो मेरा लोग वेट भी कर रहे होंगे, तो वापस चलते हैं। तो अभी यार हम ना हॉलीवुड आए हैं, तो आपको पता होगा कि जो हॉलीवुड का जो हेडक्वार्टर है वो लॉस एंजलिस में ही है, और यूएसए के जो मोस्टली सेलिब्रिटीज वगैरह हैं वो यहीं पे ही लोकलाइज हैं। तो आप देख सकते हैं अभी सीन वगैरह। तो लोग इशारे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है। यार कोई बात नहीं, चलता है भाई। अभी मुझे ना अमेरिकन सिम परचेज़ करनी है, तो क्योंकि इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं है, आपको पता है, और वैसे भी मैंने परसों को लॉस वेगास जाना है, तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। गूगल मैप का इस्तेमाल करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि न्यू प्लेस है, और मैं कभी यहाँ पहले आया भी नहीं हूँ, और ना मैं किसी को जानता हूँ। फिर अब जाते हैं, सिम कार्ड परचेज़ करते हैं, देखते हैं।
यार सिम कार्ड तो लेने गए थे लेकिन सिम कार्ड नहीं मिला वहाँ से, किसी और जगह जाना पड़ेगा। तो अभी जाते हैं, ये कोई फंको है कुछ, हॉलीवुड फंको कैलिफोर्निया, जाते हैं अंदर देखते हैं क्या सीन है इसका अंदर। भाई ये है क्या चीज़ यार वैसे, दोस्त मेरे यहाँ पर हैं सारे के सारे, मज़े की जगह है वैसे यार। इधर भी जाते हैं, ये क्या है, यार ये जगह मज़े की है वैसे, कुछ भी लो यहाँ से, ये कार्टून अच्छे बने हुए हैं वैसे। कहाँ गए, मैं कहीं घूम ही ना हो जाऊँ क्योंकि मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं और मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ फिलहाल। बाहर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर देखा जाए तो यार अंदर सुकून है, आई थिंक एसी वाला चल रहे हैं। यार हमने फंको हॉलीवुड कैलिफोर्निया विज़िट कर लिया है तो मुझे काफ़ी प्यास भी लगी है, बोला नहीं चाह रहा। तो अब हम जा रहे हैं सोडा शॉप जा रहे हैं, बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का सोडा बनाएँ, जो फ्लेवर चाहते हैं वो बनाएँ और पिए, बड़ी मज़े की जगह है, मिलते हैं फिर वहीं पर, ठीक है। तो यार सोडा शॉप आ गई, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ऊँचा बोल भी नहीं सकता, ठीक है। तो क्या बताया है भाई, ये तो जनाब ये सोडा पॉप स्टॉप है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का सोडा बनाना है, ये स्टेप लिखे हुए हैं कि पहले जनाब बोतल लो, उसके अंदर पानी शानी डालो, फिर अपना फ्लेवर डालो, उसके बाद बोतल के ऊपर वो भी लिखना है आपने बोतल के ऊपर ना कि कौन सा फ्लेवर आपने बनाया है। तो इतनी कॉस्ट है $3.59 आई थिंक आप पर बोतल, ये है, ट्राई करते हैं बनाते हैं कोई भी किसी फ्लेवर का। Yeah. So up to this line right here. Here? Yeah. There you go. Is it done? A little bit more. There you go. Oh, all right. And then pick a flavor. I would like to take the almonds. So you can do 9 pumps. How many I have done? 2. You've done 2. I will also add the sugar cane as well. Okay. Yeah. So I have to take the 5 or 4? How many do you want of the other one? I mean, both 50-50%. Okay. And then do 4, I guess. There you go. Mm-hmm. So I will take the sugar cane. Yeah. Here is it? Right there. I think it is finished. No, it isn't. Is it done? A little bit more. There you go. And then you grab a cap, put on top. Mm-hmm. Like this? Yep. And then keep on going until it clicks. A little bit more? Okay. There you go. We are done. There I have go. To write the flavors. Yeah. So, yeah. Right. There you go. Thank you very much. Of course.
Here you go. Oh, all right. Thank you. तो यार फ्लेवर मैंने बना लिया ये अपना आलमंड प्लस शुगर, ट्राई करते हैं कैसा है। तो यार सोडा परचेज करने के बाद जब मैं पेमेंट करने गया हूँ तो वो कहती है मिनिमम कार्ड से आप $5 तक पेमेंट कर सकते हैं, तो ये तकरीबन $3.50 की थी, तो फिर मुझे एक और बनाना पड़ा। तो अब मैंने दो फ्लेवर बनाया, ट्राई करते हैं कैसा है फिर। तो ये जो फ्लेवर है ये आलमंड प्लस शुगर कैन कोला है, तो मज़े का कॉम्बिनेशन बना है वैसे। और जो सेकेंड वाला है हमारे पास वो जस्ट मैंगो। अभी हम खाना खाने के लिए एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट पर आए हैं, तो वैसे मैंने कभी मैक्सिकन को ट्राई नहीं की है, ये फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। देखते हैं कैसी फूड है। तो आई थिंक ये वाला रेस्टोरेंट है, चलते हैं भाई ट्राई करते हैं कैसी मैक्सिकन फूड होती है। ये आगे आगे जो भी जा रहा है, ये मेरे फर्स्ट व्लॉग में भी था। देखते हैं क्या है इनके पास मेन्यू में। यार ये इनका मेन्यू है, इन्होंने तो मैक्सिकन लिखी हुई है कि यहाँ शायद स्पेनिश लिखी हुई है, तो बीच में इंग्लिश भी है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैंने दोस्त से पूछा, क्योंकि जो इनके नेम है ना वो मैक्सिकन या स्पेनिश लग रहे हैं, बल्कि मैक्सिकन है, लेकिन नीचे इंग्लिश में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इनकी। तो यार ये रहा हमारा खाना, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पाकिस्तानी वाइब्स आ रही है, रोटी लग रही है ना जैसे, ट्राई करते हैं भाई कैसा। यार जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया है तो उसी के साथ एक दूसरा रेस्टोरेंट भी है, तो उसके बाहर मतलब डीजे सिस्टम बना हुआ है, बहुत मज़े का खाना खाओ साथ में म्यूज़िक भी इंजॉय करो, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। ये देखें यहाँ पर बहुत मज़े का सीन है, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो यहाँ पर आएँ और खाना इंजॉय करें और साथ साथ डीजे भी। ज़्यादा स्टे नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दोस्त वेट कर रहा है गाड़ी में, तो मैंने इसको बोला कि मैं ज़रा वीडियो करके आता हूँ तो फिर वापस आता हूँ तुम्हारी तरफ। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है, तो बाकी भाई साहब बात ये है कि यहाँ पे आपने जहाँ भी गाड़ी पार्क करनी है मोस्टली आपको पे करना पड़ता है, तो $15 से ऊपर ही मोस्टली हमने पे किया सुबह से, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है जब आप गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स वगैरह एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यू नो फिर वो डिवाइड हो जाता है, तो फिर ईजी होता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो बाकी चलते हैं, अब हमने शायद जाना है गुडविल स्टोर पर, तो अब हम स्टोर पर आ गए हैं, तो अल्लाह करे मिल जाए यहाँ से सूटकेस, क्योंकि यार दिन भी पीछे दो रहते हैं और मुझे ट्रैवल करना है, पैकिंग भी करनी है, तो ये स्टोर रहा, तो चलते हैं स्टोर में, देखते हैं क्या सीन है अभी अंदर। यार अनफॉर्चुनेटली सूटकेस तो कोई नहीं मिला, तो अब देखते हैं अगर कोई और स्टोर पास में कोई ओपन है तो वहाँ पर जाते हैं लेते हैं, और सिम कार्ड भी लेना है, 7:30 हो रहे हैं शाम के, आगे जाते हैं। 10 का है और एक और स्टोर है साथ यहाँ से, और यहाँ से हमें सिम कार्ड तो ज़रूर मिल जाएगा, ट्राई करते हैं अल्लाह करे मिल जाए यार यहाँ से, सिम कार्ड तो मस्ट है लेकिन सूटकेस का 50% है। तो भाई साहब ये रही हमारी सिम कार्ड, मिल गई है $65 में मिली है हमें, अप्रॉक्सीमेटली $66 में, तो बहुत एक्सपेंसिव है, सिर्फ 15 GB डाटा मतलब 15 GB डाटा मिला साथ एक मंथ के लिए, और अनलिमिटेड कॉल्स और टैक्स वगैरह, ठीक है तो ये काम तो हो गया हमारा। फाइनली हमें 100% के सूटकेस मिल गए, और ये आप देख सकते हैं ये दो पसंद हैं, दोनों में से कोई एक करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, तो बाकी नाइट काफ़ी हो गई है, यहाँ से फिर हमने घर जाना है, बाकी देखेंगे अगर कुछ चीज़ वगैरह पसंद आती है यहाँ से वो भी लेंगे। तो अभी मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ यहीं पे, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।